हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपको डायमेंशन 404 इस नाम की एक सीरीज है उसका एक एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है इम्पल्स। ये कहानी है वेल नाम के लड़की की जो कि प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। कहानी शुरू होती है तब हम एक टूर्नामेंट देखते हैं जिसमें वेल भी खेल रही होती है। जीतने वाले को बहुत ही भारी रकम मिलने वाली थी और ये मल्टीप्लेयर FPS गेम होता है। इस टूर्नामेंट में वेल के अलावा बाकी काफी सारे फेमस गेमर आए होते हैं। इन्हीं प्लेयर्स में से सबसे टॉप प्लेयर पे होता है रॉय नाम का लड़का जिसके लिए ये पूरी भीड़ जमा हुई थी। अब गेम शुरू होता है और सब लोग खेलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे वेल बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ये देखते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसे कैसे भी वो पैसे चाहिए थे। इसीलिए उसे किसी ने इम्पल्स 9 नाम का एक एनर्जी ड्रिंक दिया रहता है। वो सीधा एक ही घूट में पूरा बॉटल पी लेती है। इसके कारण उसे काफी एनर्जी मिलती है, लेकिन वो देखती है कि उसके आसपास का समय मानो सा गया है और इसी का फायदा उठाते हुए वो बाकी प्लेयर्स को गेम में हरा देती है और टूर्नामेंट जीत जाती है। और तभी उसका बॉयफ्रेंड इवान वहाँ पे आता है और दोनों भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये सीन इधर ही कट होता है और हम वेल को अगले ही पल में एक दूसरे घर में देखते हैं जहाँ पे वो 3 बच्चों की माँ होती है। वेल खुद भी ये सब कुछ देख के हैरान होती है, मानो उस गेम की चेयर से वो यहाँ पे सीधा टेलीपोर्ट हुई है। पैनिक स्टेट में वो घर से बाहर आती है। बाहर का पूरा माहौल ही अजीब था, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे मास्क देने लगता है क्योंकि वो बताता है कि बाहर काफी जहरीली हवा है जिसमें वो सांस भी नहीं ले सकती। अब वापस से सीन बैकग्राउंड में जाता है और हम वेल का अतीत देखते हैं। वो अपने पिता के साथ रहती थी और उसके पिता एक दिन उसे एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड इवान भी उसे पिक करता है, लेकिन कार में जाते ही वो अपने कपड़े बदल देती है और कैजुअल पहनकर इंटरव्यू के जगह पे वो फील्ड ऑफ फायर नाम के गेमिंग के एक टूर्नामेंट में खेलने के लिए पहुँचती है जहाँ पे और भी गेमर्स मौजूद थे। लेकिन तभी इवान उसे बताता है कि इस टूर्नामेंट में रॉय नाम का एक प्रोफेशनल प्लेयर भी अपीयरेंस देने वाला है, जिसे सुनके वेल काफी नर्वस होने लगती है। अब गेमिंग एरिया में ये लोग पहुंच जाते हैं जहां पे रॉय अपने फैंस के साथ फोटो खींच रहा था। दरअसल रॉय बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान था। अब यहां पे मैच शुरू हो जाता है और सब लोग खेलने लग जाते हैं। गेम की शुरुआत में वेल लीड कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में रॉय और उसके दोस्त वेल को आसानी से हरा देते हैं। यहां पे रॉय बीच बीच में अपने फैंस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा था, जिसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर लेती है और वो जीतने ही वाली थी, लेकिन वो छोड़ के वो रॉय को मारकर गेम से बाहर करने की कोशिश करती है। लेकिन रॉय ठहरा एक्सपीरियंस प्लेयर, इसीलिए ये डाव उसी के ऊपर भारी पड़ता है और रॉय खुद उसे मारकर गेम से आउट कर देता है। हालांकि वेल काफी अच्छा खेली थी, इसीलिए वो फाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाती है जो कि अगले ही दिन होने वाला था। अब गेम के बाद वेल अपने बॉयफ्रेंड इवान के साथ वहां से निकल ही रही थी, लेकिन तभी रॉय आकर उसे जानबूझ के चिढ़ाने लगता है। अब इवान उसे समझाकर अपनी कार लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पे कोजीमा नाम का आदमी वेल के पास आकर उसे कहता है कि उसे गेम जीतने के लिए एक सीक्रेट पता है। वेल के पूछने पर वो उसे अपना कार्ड देके चला जाता है। अब घर पहुंचने पर उसे अपने पिता से काफी डांट मिलती है इंटरव्यू में ना जाने के लिए। फिर उसके पिता उसे बताते हैं कि कल उसे वापस इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वेल मना करते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब रात के समय में वो आज के ही खेले गए गेम को ऑनलाइन देख रही होती है और रॉय को फर्स्ट पोजीशन पे आता देख कर वो काफी गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर कोजीमा के बिजनेस कार्ड पे पड़ती है और वो उस एड्रेस पर जाती है और जल्द ही द गोल्डन सॉसर नाम के गेमिंग कैफे में पहुंच जाती है। वहाँ पे कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पीछे से कोजीमा आता है और उसे गेम खेलने के लिए कहता है। वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है, लेकिन तभी कोजीमा वहाँ पे एक ड्रिंक लेकर आता है और कहता है कि ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं है, वेल चाहे तो उसे ट्राई कर सकती है। अब यहाँ पे वेल एक सिप लेती है और उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसे वो इम्पॉसिबल लगने वाला गेम भी इजी हो जाता है। अब एक घंटा बीत जाता और अगले ही पल में वो खुद को कोजीमा के सामने बैठा पाती है। कोजीमा बताता है जितने ज्यादा ड्रिंक बॉडी में जाएगा टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाएगा और इसी तरह वो गेम जीत सकती है।
अब यहाँ पे वैल सोच में पड़ जाती है कि एनर्जी ड्रिंक करके गेम खेलना यानी चीटिंग हो सकती है। लेकिन तभी कोजीमा को रॉय की कॉल आती है और वैल को पता चलता है कि रॉय भी इसी ड्रिंक का यूज करके लीडिंग प्लेयर बना है। इसीलिए गुस्से में वैल वो बॉटल खरीद लेती है। अब अगले दिन गेम शुरू हो जाता है और अपने पास वो इम्पल्स 9 की बॉटल रख लेती है, जिसका वो एक सिप पी लेती है गेम के शुरू होने से पहले। अब उसके आसपास का समय स्लो हो जाता है, जिसके कारण वैल लीड करने लगती है। लेकिन फिर रॉय भी उस एनर्जी ड्रिंक को ले लेता है और वो वैल से आगे निकल जाता है। अब वैल को गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो इम्पल्स 9 की पूरी बॉटल ही एक सिप में पी लेती है और टाइम और भी स्लो हो जाता है, जिसे वो रॉय के प्लेयर को मार कर गेम जीत जाती है। वैल के लिए पूरा क्राउड चेयर करने लगता है और इवन वहाँ पे आकर उसे किस करने लगता है। और तभी अचानक से सीन वापस से शिफ्ट होकर हम वही सीन देखते हैं जब वैल के हाथ में बेबी था। हम वैल को एक बच्चे के साथ देखते हैं, उसके हाथ में वेडिंग रिंग भी थी और वो बच्चा रोए जा रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड, जो कि अभी पार्टनर था इवन, वो वहाँ पे आता है और बच्चे को सुला देता है। इन सबसे काफी कंफ्यूज वैल नीचे आ जाती है। तभी और दो बच्चे उसे मम्मी मम्मी करके बुला रहे थे। ये सब कुछ देख के वो पैनिक होने लगती है और घर से बाहर आ जाती है। बाहर का नजारा तो अजीब ही था, जहाँ पे टेंट में लोग रह रहे थे और पब्लिक बाथरूम यूज कर रहे थे। वैल को पता चलता है कि वो 2017 से सीधा 2029 यानी 12 साल आगे बढ़ गई है। वो लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो चार दीवारों से बंद है और बाहर की जगह को वेस्टलैंड कहा जाता है, जहाँ पे काफी खतरनाक जानवर लोगों को मार देते हैं। इसीलिए ये लोग गेट पर अलग अलग शिफ्ट में पहरा देते हैं। इसके अलावा उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने भी बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 ड्रिंक कंज्यूम किया था, वो सभी लोग अचानक से अब जाके होश में आ रहे हैं, यानी 10 से 12 साल के बाद, और उन लोगों को पल्सर कहा जाता है। इसी दरमियान और एक आदमी को जिसने वो ड्रिंक पिया था, उसे होश आता है। ये देखकर इवान काफी गुस्सा होता है और उस आदमी को मारने जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ड्रिंक पूरे दुनिया भर में काफी फेमस हुआ था और काफी सारे वर्ल्ड लीडर ने ये ड्रिंक पिया था, जिसके कारण काफी सारे देशों में वॉर होने लगा और इसी के कारण 10-12 सालों में ही धरती की ये हालत हुई थी। इसीलिए इस कबीले में जो भी लोग रह रहे थे, वो पल्सर यानी वो ड्रिंक पीने वालों को काफी हेट करते थे। और इसी समय उस लड़के को वेस्ट वर्ल्ड यानी इस सेफ जगह से बाहर फेंक दिया जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वैन काफी डर जाती है और वो खुद भी पल्सर है और उसे अभी अभी होश आया है। ये बात वो अपने हस्बैंड से छुपाती है। उसे पिछले 10 से 12 सालों में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था, उसे सिर्फ गेम का वो दिन ही याद था। उसके बाद वो सीधा अब जाके जग गई थी, यानी ड्रिंक पीने वालों का यही हाल हुआ था। वैल उसी जगह की पुलिस का काम करती थी और डैन नाम का एक आदमी उसका असिस्टेंट था, लेकिन उसे पिछले 12 सालों में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। और तब वो अपने पिता के साथ ही आखिरी मुलाकात याद करने लगती है। तभी उसकी नजर उसके एक जार पर पड़ती है, जिसमें उसके पिता की अस्थियां थी, और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इतने में डैन वहां आकर वैल को टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है। पहले तो वो जाने से मना करती है, लेकिन जब डैन उसे याद दिलाता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है, तब उसे जाना पड़ता है। और इसी तरह उसका पहला दिन यहाँ पे बीत जाता है। एक दिन वैल अपनी सारी ड्यूटी खत्म करके बच्चों को स्कूल से लाती है, जहाँ पे उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखा कर कहती है कि वो उसकी हीरो है। वैल काफी थके होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं देती। घर पहुँचने पर वो देखती है कि इवान जोर से साइकिलिंग कर रहा है। दरअसल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वो एक गेम खेलने के लिए पावर को प्रोड्यूस कर रहा था। वैल अपना फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो बच्चों को सुलाने से पहले एक राउंड खेलने के लिए तैयार होती है। जब इवान लोगों से मिलने के लिए बाहर जाता है, तो वैल बच्चों के साथ गेम खेलने लगती है और काफी खुश होती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और इवान अचानक से भागते हुए वापस घर में आता है। वो काफी डरा हुआ था। वो वैल से कहता है कि वैल आज गार्ड की ड्यूटी करना भूल ही गई और गेट पर कोई भी ना होने के कारण किसी ने डैन के लिए गेट नहीं खोला और उसे बाहर के खतरनाक जानवरों ने मार दिया है। दोनों भी वहाँ पे पहुँचते हैं और डैन की वाइफ रोते हुए वैल को ब्लेम कर रही थी और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए वैल घर जाने लगती है। लेकिन इवान वैल को कहता है कि अभी भी उसकी शिफ्ट का टाइम बचा है और वो अपने ड्यूटी पे निकलती है। थोड़े समय के बाद वैल घर आकर रोने लगती है। तब इवान उसे प्यार से समझाता है। अब यहाँ पे वैल को लगता है कि वो इस दुनिया के लिए फिट नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर वेस्टलैंड जाने का सोचती है, यानी दीवार के उस तरफ।
और इसीलिए वैल इवान को लेटर लिखती है कि वो एक पल्सर है, यानी उसने वो ड्रिंक पिया था। अब अगले दिन वैल वेस्टलैंड के लिए निकल जाती है और इवान को लेटर पढ़कर काफी शॉक लगता है। अगले सीन में वैल एक बिल्डिंग के पास खड़ी होती है जो कोजिमा का कैफे हुआ करता था। वैल अंदर जाती है और वहाँ पे उसे काउंटर पर कोजिमा दिखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि उस पर एज का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। उनकी बातों से कोजिमा को पता चलता है कि वैल एक हफ्ते पहले ही रियलिटी में वापस आई है। वो मानता है कि इम्पल्स 9 से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन वो वैल को इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक आइडिया देता है। कोजिमा वैल के सामने एक बड़ी बॉटल इम्पल्स 9 की रख कर कहता है कि वो इसे पी ले और फिर वो सैकड़ों सालों के बाद जगेगी, लेकिन तब तक वो इस दुनिया में मर चुकी होगी, यानी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड उसके लिए नहीं होगा, उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। अब वैल को इन सारी चीजों से छुटकारा पाना था, इसीलिए वो ड्रिंक लेने का सोचती है। अब वैल कंप्यूटर पर बैठकर जैसे ही ड्रिंक पीने के लिए बॉटल उठाती है तो उसे अपने कपड़ों में वो ड्रॉइंग मिलती है जो उसकी बेटी सोफिया ने दिया हुआ था। तब उसे अपनी बच्ची की याद आने लगती है और इवान और अपने बच्चों के साथ बिताए हुए पल उसे याद आते हैं और वो काफी इमोशनल होती है। इसलिए काफी सोचने के बाद वो वापस अपने बच्चों और इवान के पास जाने का फैसला करती है। अब वापस गेट पहुंचकर वैल देखती है कि वहाँ पे इवान की ड्यूटी थी और वो वैल से बहुत ही नाराज था क्योंकि उसने उसके पल्सर होने की बात छुपाई थी। और इसी बीच में वैल के पीछे से वही खतरनाक जानवर आ रहा था। यहाँ पे पता चलता है कि जो जानवर है डेथ लिजर्ड, वो दरअसल इंसान ही है। खाने की कमी के कारण वो इंसानों को खाते थे। ये देखते हुए इवान गेट खोलकर वैल को अंदर ले लेता है। अब डेथ लिजर्ड आ रहे ये देखकर अलार्म बजने लगता है और सब लोग खाई की ओर जाने लगते हैं क्योंकि ये लोग डेथ लिजर्ड से यानी उनके गैंग से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये सुनकर वैल को एक आइडिया आता है और वो इवान को कहती है कि वो इन लोगों से लड़ेगी और वो अपने बच्चों को लेकर आगे जाए। इवान पहले तो नहीं मानता, लेकिन काफी मनाने के बाद उसे बच्चों को सेफ रखने के लिए वैल को वही छोड़कर जाना पड़ता है। अब वैल इम्पल्स 9 की बॉटल जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी वो निकाल कर लड़ाई के लिए तैयार होती है। यहाँ पे डेथ लिजर्ड गेट पर पहुंच जाते हैं और वैल को पता चलता है कि उनका लीडर रॉय ही है। रॉय बताता है कि वो भी रियलिटी में कुछ साल पहले ही आया था और अब तक एक खतरनाक लीडर बन चुका है, पर उसकी धमकियों का असर वैल पर नहीं होता क्योंकि उसने उनके आने से पहले ही इम्पल्स 9 की पूरी बॉटल पी ली थी। और देखते ही देखते उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होने लगता है। वैल गैस कंटेनर पर शूट करती है जिसके ब्लास्ट होते ही सब हवा में उड़ने लगता है और वैल सबको शूट करके मार देती है। यहाँ पे वैल को भी उसके शोल्डर और पेट पे गोली लगती है और वो गिर जाती है। फिर उसके सामने रॉय आता है और वो उसे शूट करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर रॉय को वो शूट करके मार देती है, यानी कि इनकी डेथ लिजर्ड गैंग खत्म हो जाती है। अब अपने आखिरी सांस लेते हुए वैल एक फ्लेयर गन ऊपर की तरफ शूट करके सिग्नल देती है। यहाँ पे इवान उस फ्लेयर गन को दूर से देखकर समझ जाता है कि कम्युनिटी अब सेफ है और वैल की मौत हो जाती है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। इस कहानी में एक लूप होल है, अगर वो यहाँ पे मर चुकी है यानी उसका शरीर भी मर चुका है तो हजारों सालों के बाद जब उसे होश आएगा तब उसका शरीर तो उसके साथ होगा ही नहीं, राइट? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए।